के साथ तो हम जादूगरी करते हैं, हम जगलरी करते हैं, जगलरी करते हैं, करते 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 एक एक समय आता है कि जब आप उस कंपोजिशन आप बहुत ट्यून हो जाते हैं, लेकिन रंगों में आप ट्यून नहीं होते हैं। रंगों में जो अंतर है ना, अंतस, वो अंतस बाहर निकल के आता है। एक कविता भी है ऐसी कि भाई किसी ने कहा कि रंग धोखा देते हैं, तो हम कहते हैं कि गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं। जी, शब्द पहले या रंग, क्या कहते हैं? चीजें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलते हैं, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते। शब्दों की जुबान तो हमारी है, तुम्हारी है, कल्पित, जो कल्पनाओं की है। रंगों का अपना रंगों की अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है। रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाए जाते। हमें तो बस 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 जी अनुभव किया। बहुत 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 खूबसूरत आपने बात की, भाषा की आपने बात की, और आपने लेखन भी आपने किया है। दक्षिणी राजस्थान जो है हमारा, वहाँ पे आदिवासी समाज के लिए आपने खेती और पर्यावरण पर एक लेख भी लिखा है, तो वो उसकी जो प्रेरणा है वो कैसे आपको मिली? ऐसे लगा कि उन लोगों के लिए ये करना चाहिए? नहीं, दरअसल कुछ दिन थे मुफलिसी के जी, तो कुछ दिन थे मुफलिसी के, तो उस दौरान कुछ काम कर किया गया। 2 साल मैंने नौकरी करी थी और एक एक संस्था के लिए मैं काम करता था। तो हमारा काम होता था कि बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोशल साइंसेज हैं, वहाँ के बच्चों के साथ में साउथ राजस्थान में अलग अलग गांवों के अंदर हम जाते थे और फिल्में बनाते थे। फिल्में मतलब हम, और मेरा जो पक्ष था वो था कि कंटेंट पे काम करता था जी, भाषा पे काम करता था। तो उस दौरान बहुत से ऐसे लोगों को से मिलने का अवसर मिला और इसने मुझे बहुत कुछ दिया। उन 2 सालों में मुझे एक दंभ था कि मैं अपने स्टेट को, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था जी। मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि असली देश दुनिया तो हमारे गाँवों के अंदर जी। हमें नमन करना चाहिए जी लोगों को, असली वहां पर है। संपो और दीपो की जो कहानी है, असली देश तो वहां बसता है। वो छोटे छोटे बच्चे बाल वैज्ञानिक है साहब जी, वो जानते हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे, कितने तरीके के पौधे हैं। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को बुला के आप उससे पूछिए कि तुम्हारी बगिया में कौन से पेड़ है, या तुम्हारे परिवेश में क्या 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 है तुम्हारे परिवेश में, वो नहीं बता सकता। संपो और दीपो जो बिल्कुल उदयपुर में आदिवासी गांव में झाड़ोल के अंदर वो बैठे, वो अपने पूरे इर्द गिर्द के आसपास के चारों तरफ की चीजों को वो बता सकते हैं जी, क्योंकि वो अपने सुनते हैं, देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि शहर की जो पॉलिश्ड चीजें हैं वही सब कुछ होता है। अरे लोगों का मतलब आप देखिए कि लोग कैसे कैसे, मतलब वो हमारी आंखें खुल गई सब देख के जी। अनुज जी, आपकी जो